नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष और बड़ी खबर पर। मित्तल मैदान के पास बोहरा कब्रिस्तान में तेंदुआ दिखने से मची खलबली। जी हाँ दोस्तों, आज दोपहर का वाक्य है जब स्थानीय लोगों अनुसार ये बात सामने आई है कि जो बोहरा कब्रिस्तान है वहाँ पर एक तेंदुए को देखा गया था, जिसके बाद मौका वारदात पर मुंब्रा पुलिस के साथ साथ वन विभाग की टीम भी पहुँच चुकी थी। बताया जा रहा है कि अब तक के तेंदुए की कोई गिरफ्त नहीं की गई है, तेंदुए को पकड़ा नहीं गया है और वन विभाग ने भी इस बात को साफ इनकार किया है कि अब तक के उन लोगों ने भी कोई तेंदुआ नहीं देखा। स्थानीय लोगों अनुसार बताया जा रहा है कि तेंदुआ खाड़ी की तरफ भागा है। महज यह एक अफवाह थी या हकीकत था ये तो वक्त ही बताएगा। फिलवक्त तक कोई जानकारी ऐसी सामने नहीं आई है कि तेंदुआ दिखा था या नहीं। धन्यवाद। कुत्ते और कौवे पड़े हुए थे, तो कौवे तो उनको चोंच मार रहे थे, तो वहाँ से जैसे ही भागा और उस तरफ आगे निकल गया, झाड़ी में ही गया। कौवे का शोर बढ़ते गया तो इतने में देखा गया कि तेंदुआ यहीं से दौड़ रहा था। कब्रिस्तान के लोगों ने देखा और दौड़ते दौड़ते वो दीवार के पास जाके पहुँचा। तो इतने में हमने फटक से हमारे स्थानीय नगर सेवक श्री राजन नारायण किने साहब को कॉल किया और हमने फिर जुजर भाई सोनी को बताया ऐसी ऐसी घटना। तो उन्होंने वन विभाग में फ़ोन किए, वन विभाग के कर्मचारी आए थे, फायर ब्रिगेड आई थी, सब आने के साथ उन्होंने पूरा देखा। देखने के बाद उन्होंने बताया, पूरा चेक किया तो उन्हें दिखाई नहीं दिया क्योंकि अभी कब्रिस्तान में काफ़ी पानी भरा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि रात में या दिन में कोई भी अकेला नहीं घूमे, इंस्ट्रक्शन देके गए, प्रिकॉशन के लिए कहा गया आप डंडे वगैरह लेके चलिए, बोला गया कि लाइटें वगैरह सब चालू रखना क्योंकि कहीं पर भी हो रात में दो चार दिन थोड़ा प्रिकॉशन रखना अपने। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूले, और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना भूले।